अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच में सुंदर दिमाग या मन। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उलम। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन की उलम शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट, बिना किसी संकेत के कि ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि वो महानता के लिए निर्धारित है, कि मतलब जन्म के समय पता नहीं था कि वो कुछ महान काम करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उलट, हीज मदर थॉट, उसकी माता ने सोचा, अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, कि जो अल्बर्ट है वो एक फ्रीक है, यानी कि कमजोर है, असाधारण है। टू हर, उसके लिए हीज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, यानी कि उसकी माता को उसका हेड बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था अल्बर्ट का। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, आइंस्टाइन अभी भी बोलता नहीं था। When he finally did learn to speak, अंत में जब उसने बोलना सीखा, he uttered everything twice, वो हर चीज़ दो बार बोलता था। Einstein did not know what to do with other children, आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरों बच्चों के साथ क्या करना है। And his playmates called him brother boring, और उसके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे वो उसे brother boring बोलते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिम सेल्फ, इसलिए जो यंगस्टर था यानी कि जो आइंस्टाइन था वो खुद ही खेलता था मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसे खासतौर पर मैकेनिकल खिलौने पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नई जन्मी बहन को देखकर, माजा उसकी बहन का नाम था, ही सेड टू हैव सेड, वो उसने क्या बोला, फाइन, ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं, यानी कि अपनी छोटी बहन के पहिए ढूंढ रहा था वो। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार हेडमास्टर ने उसके फादर को बताया, दैट कि व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि आइंस्टाइन पेशे के रूप में क्या चुनता है ये मैटर नहीं करता, क्या चुना है उसने ये बात मैटर नहीं करती, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, वो क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता चाहती थी कि वो ये सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेटर वायलिनिस्ट, बाद में वो बहुत टैलेंटेड यानी कि प्रतिभाशाली अमेटर यानी कि शौकिया तौर पे वायलिन जाने वाला बना। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, इस स्किल को अपनी सारी उम्र लाइफ में उसने बना के रखा इस कौशल को। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन बुरा स्टूडेंट नहीं था, पीपल यानी कि विद्यार्थी। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, वो मुनिच में हाई स्कूल में गया, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली मूव हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी, वैन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन को स्कूल रेजिमेंटेशन से नफरत थी, रेजिमेंटेशन यानी कि रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं स्कूल के। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और अक्सर उसके अपने टीचरों के साथ झगड़ा हो जाता। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, आइंस्टाइन को इतनी घुटन महसूस हुई 15 साल की उम्र में कि उसने अपने अच्छे के लिए स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए थे, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलोंग डिस्कशन, लंबे चर्चा के बाद, आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, आइंस्टाइन की विश पूरी हुई, इच्छा पूरी हुई कि अपनी एजुकेशन वो कंटिन्यू करेगा, जारी रखेगा जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, इन अ सिटी, एक शहर में, विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिच, जो मुनिच से ज़्यादा स्वतंत्र था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, जो आइंस्टाइन था वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड था यानी कि टैलेंटेड था, प्रतिभाशाली था मैथ में एंड फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में भी उसका इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल ख़त्म होने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, उसने फैसला लिया कि वो ज्यूरिच में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ाई करेगा। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच, लेकिन साइंस अकेली चीज़ नहीं थी जो आकर्षित करती थी डैशिंग गनी काली मूछों वाले जवान आदमी को।
ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, उसने महसूस किया एक विशेष रुचि साथ वाली विद्यार्थी में, मिलेवा मैरिक उसका नाम था, होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जिसे वो चलाक जीव समझता था। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, ये जो यंग सर्ब इसलिए बोला, ये सर्बिया की थी, स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिश, क्योंकि ज्यूरिश की जो यूनिवर्सिटी थी वो वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थी वेयर वीमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पे जो औरतें हैं वो भी डिग्री ले सकती हैं। आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन, आइंस्टाइन ने उसमें एक दोस्त देखा फिलिस्तीनियों के, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके विरुद्ध, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कंस्टेंटली एट ओर्स, वो लोग फिलिस्तीन वो लोग हैं जो उसकी फैमिली में या फिर यूनिवर्सिटी में थे जिनके साथ उनकी लगातार अनबन रहती थी, ओ एट ओर्स यानी कि अनबन में रहना। द कपल फेल इन लव, जो कपल था जोड़ा था वो प्यार में पड़ गया, यानी कि वही लड़की। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, पत्र भी हैं जिनमें उन्होंने अपना प्यार शब्दों में रखा है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस को कोमलता से मिक्स करते हुए, रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, कि कितना खुश और गर्व से भरा था मैं जब हम दोनों ने अपना काम रिलेटिवली विक्टोरियस कंक्लूजन पे पहुंचाया, यानी कि विजयी निष्कर्ष पे पहुंचाया। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया था लेकिन बेरोजगार था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उसने टीचिंग असिस्टेंट हेल्पर के तौर पे काम किया, गेव प्राइवेट लेसन, प्राइवेट क्लासें भी दी एंड फाइनली सिक्योर्ड अ गुड जॉब इन 1902, और अंत में उसे सिक्योर अच्छी जॉब मिल गई 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे इन द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट के ऑफिस में इन बर्न जगह का नाम है। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जब ऐसे माना जाता था कि वो दूसरी लोगों की खोज को असेस करता है, चलाता है, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, असल में आइंस्टाइन अपना खुद का आइडिया विकसित कर रहा था सीक्रेट में, यानी कि चोरी चोरी। ही इज सेट टू हैव जो किंगली कोल्ड हिज डेस्क ड्रोर, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि वो अपने डेस्क ड्रोर को मजाक में कहा करता था एट वर्क, काम पे, द ब्यूरो ऑफ थियोट्रिकल फिजिक्स, अपने डेस्क ड्रोर को कहा करता था थियोट्रिकल फिजिक्स का ब्यूरो। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट अब्सल्यूट, एक फेमस पत्र 1905 में उसने आइंस्टाइन की स्पेशल जो सिद्धांत था, थ्योरी थी रिलेटिविटी की, वो लिखा, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड, सच में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो अच्छे क्लॉक, बिल्कुल सही क्लॉक, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, एक ही टाइम सेम टाइम शो नहीं कर सकते लगातार, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर उन्हें इकट्ठा रखा जाए एक जर्नी के बाद, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उनमें से एक बहुत तेज चले, रिलेटिव टू अदर दूसरे के संबंध में, फ्रॉम द फॉलोड द होल वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, इसके बाद वर्ल्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला आया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो वर्णन करता है संबंध मास और एनर्जी के बीच में, इज इक्वल टू mc², ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला था। साथ में व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, जब अच्छी लड़की के साथ बैठते हो फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो हमें 2 मिनट लगते हैं। व्हेन यू सिट ऑन हॉट स्टोव, जब आप हॉट गर्म स्टोव पे बैठते हो फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो 2 घंटे लगते हैं। दैट्स रिलेटिविटी, यह रिलेटिविटी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था ये। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन हल कर रहा था फिजिक्स की, भौतिकी की सबसे कठिन समस्या, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, वो अनरे यानी कि उजागर हुई।
अल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मिलेवा. अल्बर्ट शादी करना चाहता था राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, अपनी स्टडी के अपनी पढ़ाई के बाद. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माता जी इसके विरुद्ध थी. शी थॉट, वो सोचती थी मिलेवा को, हु वॉज 3 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, जो उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो सोचती थी कि वो उससे बहुत बड़ी हैं. शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, उन्हें मिलेवा की इंटेलिजेंस से, बुद्धिमान होने से भी दिक्कत थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी एक किताब है. हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने जो शादी थी वो टाल दी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, अंत में जो ये जोड़ा था इसने 1903 में विवाह किया. एंड हैड 2 सन, और इनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद द मैरिज फोल्टर्ड, जो मैरिज थी वो फेल हो गई. मिलेवा मीनवाइल, इतने में मिलेवा वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, खो चुकी थी अपना भौतिक जो उसकी महत्वाकांक्षा थी. एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और बन रही थी एक नाखुश हाउसवाइफ. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई के बहुत सालों बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919 में इस जोड़े का डिवोर्स हो गया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा के साथ शादी कर ली. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, उसकी ज़िंदगी का नया निजी अध्याय उसकी वर्ल्ड फेम यानी कि संसार में प्रसिद्धि के साथ मेल खा गया. इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने अपनी जिसमान्य जो सिद्धांत था रिलेटिविटी का, संबंध का, वो पब्लिश किया. विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने प्रदान की गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या. एन एक्लिप्स ऑफ द सन, एक सूर्य ग्रहण इन 1919 में जो लगा था, ब्रॉड प्रूफ दैट, वो ये सबूत लेकर आया कि इट वाज एक्यूरेट, कि ये थ्योरी बिल्कुल सही थी. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, जो आइंस्टाइन था उसने बिल्कुल सही से कैलकुलेट किया था, हिसाब कर लिया था एडवांस में द एक्सटेंट, उस सीमा का, टू विच, जिसमें द लाइट फ्रॉम द स्टार्स, तारों से जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो टकरा के वापस जाता है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने उसके काम को घोषित किया एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति के तौर पे. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स, आइंस्टाइन्स को भौतिक के लिए नोबल प्राइज मिला इन 1921 में. ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से उसे सम्मान और निमंत्रण मिले. एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने यानी कि न्यूज़ वालों ने भी उसकी तारीफ की. व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 में, जर्मनी में जब नाजियों का शासन हो गया, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चला गया. 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन की विस्फोट की, जो बर्लिन में खोज हुई थी, हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर, उन्होंने अमेरिकन फिजिक्स को, भौतिकवादियों को अपसेट किया, उदास किया. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म, उनमें से बहुत सारे फेसिज्म से भाग गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन था. एंड नाउ दे वर अफेयर्ड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज एन अटोमिक बॉम्ब, और अब उन्हें डर था कि जो नाजी हैं वो अटोमिक बॉम्ब बनाएंगे और उसका यूज कर सकते हैं. एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक सहकर्मी के कहने पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर, आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वॉर्न, जिसमें उसने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का एक बॉम्ब, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, एक बंदरगाह में विस्फोट हुआ, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, पूरी बंदरगाह को तबाह कर देगा, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, साथ ही साथ आसपास की टेरिटरी को भी, संघीय क्षेत्रों को भी. हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके शब्द प्रभाव डालने में सफल हुए, फेल नहीं हुए. द अमेरिकन डेवलप्ड द अटोमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, जो अमेरिकन थे उन्होंने विकसित किया एक अटोमिक बॉम्ब एक रहस्यमय प्रोजेक्ट में खुद. एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जैपनीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया 1945 में.
आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन, आइंस्टाइन गहरी तरह से हिल गया। बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, तबाही की सीमा से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, इस बार उसने एक पब्लिक लेटर लिखा, मिसिव यानी कि बड़ा लेटर यूनाइटेड नेशन को, इन द प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसमें इसने ये बोला कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ, संसारिक सरकार बनाओ। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के लेटर की तरह नहीं, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस लेटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगली एक सदी में आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, जो आइंस्टाइन था वो राजनीति में ज़्यादा शामिल हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, हथियार बनाने की रोक के लिए आंदोलन चलाया, एंड उसने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ किया अभियान में, शांति और डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के अभियान में। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, 1955 में जब आइंस्टाइन मरा, एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज, उसे बनाया गया एक विजनरी के तौर पे, एंड वर्ल्ड सिटीजन और संसार के नागरिक के तौर पे, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, उतना ही जितना कि एक वैज्ञानिक जीनियस के तौर पे, यानी कि उसे वैज्ञानिक जीनियस के साथ साथ विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन, दुनिया का नागरिक भी माना गया।